वालेकुम, मैं सर सैयद चिल्ड्रन एकेडमी की सिंधी की टीचर मिस फहामा आपके साथ क्लास 6 के लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। आज हम पढ़ेंगे दरख्वास्त लिखन जा उसूल, मतलब दरख्वास्त लिखने के उसूल के दरख्वास्त को किस तरीके से लिखा जाता है। दरख्वास्त लिखने के उसूल होते हैं कि हमें पहले किस तरीके से पैटर्न बनाना है, किस तरीके किस जगह पर जनाब आलिया या जनाब आली लिखना है और किस तरफ से स्टार्ट करना है, कहाँ ख़त्म करना है, शुक्रिया कहाँ लिखना है, तारीख कहाँ डालनी है, ये सब तरीके दरख्वास्त लिखन जा उसूल मतलब दरख्वास्त लिखने के उसूल में बताए जाते हैं। तो देखिए दरख्वास्त लिखन जा उसूल मतलब दरख्वास्त लिखने के उसूल। नंबर एक, जय के दरख्वास्त लिखनो मुझे, जिनको दरख्वास्त लिखनी हो सब काम मैंने उन जो अहदों को पत्तो लिखो। सबसे जिसको दरख्वास्त लिखनी हो वो सबसे पहले अपना पता लिख अपना अहदा लिखेगा। पहले उन जो अहदों को पत्तो लिखो, पहले जिसको लिख रहे हैं आप लोग दरख्वास्त उसका अहदा लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बखिदमत जनाब हेड मास्टरयानी साहिबा, जैसे आप स्कूल की हेड मिस्ट्रेस को लिख रहे हैं तो हेड मास्टरयानी साहिबा फर्स्ट लाइन में आएगा। फिर उसके बाद पोए पतो लिखो, फिर जो एड्रेस है, पतो मतलब पता या एड्रेस, जिस तरीके से सर सैयद चिल्ड्रन अकेडमी स्कूल ये लिखेंगे हम लोग नाजमाबाद। ये हो गया आपका पहला उसूल, आपने अहदा भी लिख लिया और अपने एड्रेस भी लिख लिया। अब आ जाइए नंबर टू पे, सुठे अलकाब सा मुखातिब करो, अच्छे अलकाब से अच्छे लकब से मुखातिब कीजिए। फॉर एग्जांपल, जनाबे आली, जनाबे आली से मुखातिब कीजिए, जनाबे आलिया से मुखातिब कीजिए। फिर उसके बाद नंबर थ्री, नहायत अदब सा दरख्वास्त की इब्तिदा करो, नहायत अदब के साथ दरख्वास्त की इब्तिदा करनी है। कोई पंजो तारुफ आई नफ़से मजमून लिखो, नहायत अदब से इब्तिदा करनी है, मतलब गुजारिश ये है कि गुजारिश ही आगे तक इस तरीके से इब्तिदा करनी है। फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है कि मैं, जिस तरीके से आप अपना नाम लिखेंगे कि मैं, जैसे मैं अपना नाम बता रही हूँ, मैं फहामा आपके स्कूल की जमात शशम में जमात छैन में, इस तरीके से आप बताएँगे पूरा। फिर नफ़से मज़मून, जिस रीज़न से आपने, जिस वजह से आपने एप्लीकेशन लिखनी है, दरख्वास्त लिखनी है वो बताना है, वो नफ़से मज़मून कहलाएगा आपका। नंबर फोर पॉइंट है, आखिर में शुक्रिया अदा करो, जब आपने पूरी दरख्वास्त लिख ली है, जो रीज़न है जो वजह है दरख्वास्त लिखने की वो आपने लिख लिया है पैराग्राफ में, अब नीचे वाले लाइन नीचे वाले पैटर्न में पैराग्राफ में लिखेंगे आप शुक्रिया अदा करेंगे। फिर उसके बाद कोई पंजो नालो या एड्रेस लिखो, फिर अपना नाम लिखना है शुक्रिया की साइड पर। नंबर फाइव, साजे पासे तारीख लिखो, फिर सीधी तरफ तारीख लिखनी है, शुक्रिया के इस तरफ आपको अपना नाम लिखना है और सीधे साइड पर आपको अपना तारीख लिखनी है। इस तरीके से दरख्वास्त लिखने के उसूल जो हैं ये हैं, जिसको देखते हुए, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आपको पूरी एप्लीकेशन लिखनी है। अगर आपको ये दरख्वास्त लिखने के उसूल पता होंगे तो फिर आप कोई सी भी दरख्वास्त लिख सकते हैं। दरख्वास्त लिखने का उसूल ये थे। अब हम लिखेंगे दरख्वास्त का खाका। दरख्वास्त के खाके से आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से बनानी है दरख्वास्त। ये आपके जो पॉइंट्स मैंने समझाए हैं वो आपको अच्छे तरीके से दरख्वास्त के खाके में वाजे हो जाएंगे, फिर हम इंशाल्लाह दरख्वास्त लिखेंगे। अब आप लाइन ड्रॉ कीजिए, जिस तरीके से आपने दरख्वास्त लिखन जा उसूल, दरख्वास्त लिखने के उसूल किए हैं, नीट एंड क्लीन वर्क। अब उसके बाद आप लोग लिखिए, पेज मेंटेन कीजिए, तारीख जमात जो कम, उसके बाद हेडिंग डालिए दरख्वास्त जो खाका। दरख्वास्त जो खाका में जिस तरीके से आपने दरख्वास्त लिखन जा उसूल किया था, दरख्वास्त लिखने के उसूल मैंने आपको बताया था, अब दरख्वास्त के खाके से आपको ये पता चल जाएगा कि जो पॉइंट्स जो हैं उससे आपको इस खाके को देखकर, खाके की मदद से आप अपने पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये देखिए पॉइंट नंबर वन में जो था दरख्वास्त लिखन जा उसूल, उसमें सबसे पहले देखिए बखिदमत जनाब हेड मास्टरयानी साहिबा, जिसको आप लिख रहे हैं दरख्वास्त उसका अहदा आ गया, बखिदमत जनाब हेड मास्टरयानी साहिबा। उसके बाद सर सैयद चिल्ड्रन अकेडमी स्कूल उनका पता आ गया।
नाजमाबाद कराची। अब फर्स्ट टाइम में बखदमत जनाब हेड मास्टर यानी कॉमा सर सैयद चिल्ड्रन अकेडमी फिर कॉमा नाजमाबाद कराची। यहाँ पर हमारा जुमला जो है वो कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं। अब उसके बाद नंबर टू जनाबे आली, अच्छे अलकाब से मुखातिब किया हमने, अच्छे लकब से जनाबे आली उनको लकब दिया जिसको हमने दरख्वास्त लिखी है। गुजारिश हिमरीता है, गुजारिश हिमरीता है तमाम अपना नाम अच्छे अच्छे लकब से आपने उनको बता दिया। अब है गुजारिश हिमरीता है तमाम नालो अपना नाम लिखना है, गुजारिश ये है कि फिर अपना नाम। छैन जमात आप जमात सिक्स के तालिब इल्म हैं, जमात जो शागिर्द बॉयज़ लिखेंगे जो शागिर्द और गर्ल्स लिखेंगी जी शागिर्द यानी की शागिर्द हूँ। आना नफ्से मज़मून उनवान के मुताबिक थी दो, जो आपका नफ्से मज़मून जो है टॉपिक उनवान जो भी आपको दिया जाएगा वो मुख्तलिफ हो सकता है, सबके डिफरेंट होते हैं दरख्वास्त के, तो इस वजह से इस पर लिखेंगे नफ्से मज़मून उनवान के मुताबिक थी, जो आपको जो भी टॉपिक दिया जाएगा आप उस पर दरख्वास्त लिखेंगे। अब है नंबर फोर शुक्रिया या मेहरबानी दोनों में से कोई एक आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आप शुक्रिया मेहरबानी के नीचे लिखेंगे फकत अहा जो फरमा बरदार शागिर्द, फकत आपका फरमा बरदार शागिर्द लिखेंगे बॉयज, और गर्ल्स लिखेंगे फकत अहा जी फरमा बरदार शागिर्द यानी। फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे पंजो नालो अपना नाम लिखेंगे, नीचे अपना नाम लिखने के बाद अब पॉइंट नंबर फाइव अपना नाम लिखने के नीचे वाली लाइन पर पॉइंट नंबर फाइव साजे पासे लिखो मतलब सीधी तरफ लिखेंगे मोरखा यानी तारीख, जिस तारीख को आप लिख रहे हैं दरख्वास्त वो तारीख यहाँ लिखेंगे। ये लाइन ड्रॉ करने का मतलब है कि पॉइंट नंबर वन आपको कैसे लिखना है, फिर पॉइंट नंबर टू पे लकब है, नंबर थ्री स्टार्ट करना है अच्छे तरीके से, और फिर जो आपका उनवान है वो लिखना है यहाँ ख़त्म। उसके बाद पॉइंट नंबर फोर शुक्रिया या मेहरबानी लिखना है, और आपको लिखना है फकत अमान जो फरमा बरदार शागिर्द आपके फरमा बरदार शागिर्द, फिर उसके बाद अपना नाम फिर नीचे तारीख। यहाँ पर हमारा दरख्वास्त का खाका जो है वो मुकम्मल होता है। आपने दरख्वास्त लिखन जब उसूल किया, दरख्वास्त का खाका बनाया और आपने अच्छे तरीके से काम किया, फिर उसके बाद अब हमें दरख्वास्त के खाके दरख्वास्त लिखने के उसूल से जिसके पॉइंट्स हैं और फिर दरख्वास्त के खाके से आपको पता चल गया होगा कि आपको दरख्वास्त किस तरीके से लिखनी है, तरीका मालूम हो गया आपको। अब आप अच्छे तरीके से दरख्वास्त लिख सकते हैं क्योंकि आपको दरख्वास्त के उसूल और दरख्वास्त का खाका मालूम हो गया है। अब आप खुद से कोई भी किसी भी उनवान पर दरख्वास्त लिख सकते हैं जिंदगी में। अब आपको दरख्वास्त स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है जिस तरीके से आपको बताया गया था, फिर लिखेंगे बखिदमत जनाब हेड मास्टर यानी साहिबा कॉमा सर सैयद चिल्ड्रन अकेडमी कॉमा नाजमाबाद कराची। यहाँ पर आपका जुमला ख़त्म हो गया फुल स्टॉप। अब दूसरी लाइन में लिखेंगे नेक्स्ट में जनाबे आली, फिर उसके बाद नई लाइन से स्टार्ट करेंगे जिस तरीके से खाके में बताया गया था और दरख्वास्त के उसूल। गुजारिश हिंद रीत आगे त माँ छैन जमात जो शागिर्द, गुजारिश ये है कि मैं अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर डैश में, छैन जमात छठी जमात जो शागिर्द का शागिर्द और जी शागिर्द यानी आया, जो गर्ल्स हैं वो लिखेंगी जी शागिर्द यानी आया। काल रात था कल रात से मुँह के मत्थे में सूर मुझे सर में दर्द, मत्थे में सूर सर में दर्द, अई तब आहे और बुखार है, तब मतलब बुखार। इन लाए माँ स्कूल हाजिर नथो थी नथी थी सगा, तो बॉयज़ लिखेंगे हाजिर नथो थी सगा, गर्ल्स लिखेंगे हाजिर नथी थी सगा, हाजिर नहीं हो सकती या हाजिर नहीं हो सकता। मेहरबानी करे मेहरबानी करके मुझे मुखे एक दिन जी मोकल, मुझे एक दिन की छुट्टी, एक दिन मतलब एक दिन, जी मोकल मतलब की छुट्टी, देयर फरमाइंदा मुझे एक दिन की छुट्टी देना मंजूर फरमाए। शुक्रिया या फिर मेहरबानी दोनों में से कोई एक चीज़ आप लिखेंगे। फकत अमा जो फरमा बरदार शागिर्द, फकत आपका फरमा बरदार शागिर्द, और गर्ल्स लिखेंगी फकत अमा जी फरमा बरदार शागिर्द।
अलिफ पे जीन पर आप अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद लास्ट में आप लोग आप अपने नाम के दूसरी वाली लाइन पे लिखेंगे मोर्फा जो भी है डेट, जिस डेट को भी आप लिख रहे हैं दरख्वास्त वो डेट लिखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये मेरा समझाया हुआ सारा काम दरख्वास्त लिखना जो असूल, दरख्वास्त का खाका और दरख्वास्त किस तरीके से लिखी जाती है दरख्वास्त आपको समझाए हुए अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 3 ख़त्म होता है। आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।